हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय स्क्रिप्टला चैनल। तो आज मैंने पहली बार किसी बॉलीवुड इंडस्ट्री का पर्सनालिटी का पेंटिंग किया है, डूडलिंग किया है। तो वो पर्सनालिटी के बारे में मैं बताने से पहले, उनका नाम लेने से पहले, आपको इनकी एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी। उनका जन्म 1988 में हुआ था, ऋषिकेश में। एट द एज ऑफ 4 शी स्टार्टेड सिंगिंग, जगराता में गाती थी। एंड लेटर उनका दिल्ली शिफ्ट हो गया बचपन में ही। उनका बचपन काफ़ी गरीबी में गया है। एंड उनके पिताजी जो थे, उनके फादर, उनकी बड़ी सिस्टर जब वो स्कूल कॉलेज में पढ़ती थी तो उनके कॉलेज के बाहर समोसा बेचा करते थे। एंड काफ़ी हरासमेंट हुआ है, काफ़ी लोगों ने उनको बहुत कुछ सुनाया है, बट स्टिल शी रियली वर्कड हार्ड एंड बिकेम सच ए बिग पर्सनैलिटी। एंड उधर एक स्कूल में वो पढ़ाई करने के बाद, 11th तक ही उनकी पढ़ाई हुई थी एंड 11th के बाद उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था। उसके बाद वो एट दैट टाइम शी वॉज एट द एज ऑफ 16 आई गेस, एंड शी गॉट सेलेक्टेड इन इंडियन आइडल एंड सीजन 2 इंडियन आइडल में। लेकिन इंडियन आइडल में वो फाइनलिस्ट नहीं बन पाई, तो 8th राउंड में और समथिंग शी गॉट डिसक्वालिफाइड। लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। देन उन्होंने अपना खुद का एल्बम क्रिएट किया था, नेहा द रॉक स्टार। बट वो इतना फेमस नहीं हुआ, बट इट गेव हर ए पुश इन द फिल्म, इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री। सो उसके बाद आपको काफ़ी उनके गाने सुनने को मिले होंगे। सबसे बड़ा ब्रेक तो उनका ब्लू है पानी पानी था, वो सॉन्ग था। तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी सॉन्ग्स गाए थे, काफ़ी फेमस सॉन्ग गाए हैं, जिनमें से एक मनाली ट्रेंड्स था। उन्होंने इवन दिल पर दिल पर, विच इज़ द रीसेंट सॉन्ग, तो ऐसे काफ़ी सॉन्ग्स गाए हैं। आई गेस यू पीपल हैव अंडरस्टूड दैट इज़ नन अदर देन नेहा कक्कर। नेहा कक्कर का एक सक्सेस मंत्रा है इन विच शी टेल्स, ईमानदारी से काम करो एंड वही काम करो जिसमें आपको खुशी मिलती है। उनकी रिसेंटली शादी हुई थी एंड उनका एक हल्दी रसम का पिक्चर मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड उसको मैं रेफरेंस लेकर एक डूडल किया है मैंने उनके हस्बैंड के साथ। होप आपको वो डूडल अच्छा लगेगा एंड इफ़ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you.